नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत चिलमा प्रसन्न ग्राम पंचायत में खड़े हैं, जो चिलमा बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। यह चिलमा बाजार राम जानकी मार्ग पर स्थित है। यहां पर गांव में जो विकास कार्य हुए हैं, आज हम उसकी ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आबादी लगभग 2000 के ऊपर बताई जा रही है। यहाँ पर राजस्व गाँव 3 हैं और एक गाँव गैर चिरागी है। कुल मिला के 4 गांव हैं। यहाँ पर जो सुविधाएं ग्राम प्रधान की ओर से की जा रही है, जिसमें पंचायत भवन बनाया गया है, लोगों को स्वच्छ जल देने के उद्देश्य से पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अर्खापुर में जो 2 विद्यालय हैं, उन पर बाउंड्री वाल बनाई गई है और विद्यालय के परिसर में ईंट लगाई गई है और विद्यालय के कमरों में टाइल्स भी लगाया गया है। तो ऐसे ऐसे हैं ग्राम प्रधान जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं और इनके अंदर कार्य करने की जो जज्बा दिखाई पड़ रहा है, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वास्तव में पहली बार चिलमा बाज़ार का कोई प्रधान बना है। अब तक प्रधान अन्य गांव के होते थे, तो चिलमा बाज़ार में उतना विकास नहीं हो पाता है। आज हम जहां खड़े हैं, पीछे हमारे जो दिखाई पड़ रहा है, ये पंचायत भवन है। ये मेन बाज़ार में पंचायत भवन है। पंचायत भवन बनने से यहां की जो बैठकें होती हैं, जो अन्य आयोजन होते हैं, वो सही रूप से संचालित हो सकेंगे। तो जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, उसे यहाँ के प्रधान जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लगातार विकास कार्य में लगे हुए हैं। तो आज हम ऐसे प्रधान से आपसे मिलवा रहे हैं और विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे कि आखिर 1.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और अब तक इस गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। तो पूर्वांचल संदेश की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। तो प्रधान जी, क्या नाम भाई आपका? विजय कुमार सोनी मेरा नाम है। तो प्रधान जी, पहली बार चिलमा बाजार का कोई प्रधान हुआ है। अब तक तो कोई प्रधान चिलमा का नहीं होता था, अन्य गांव के होते थे, जो अन्य गांव हैं। तो चिलमा की जो विकास की गति है, बड़ी तेज देखने को मिल रही है। हम पीछे देख पा रहे हैं कि जो बाजार है, यहां पर आपका पंचायत भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, प्लास्टर का काम चल रहा है। तो अब तक 1.5 साल के कार्यकाल में आपने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं? 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने सबसे प्रथम वरीयता विद्यालय को दिया है जी। विद्यालय में पहले हमारे यहाँ टाइल्सीकरण नहीं था जी। टाइल्सीकरण कराया गया कि बच्चों को बैठने की सुविधा अच्छे से हो जी। इसके बाद हमारे यहाँ विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं था, वो बहुत ख़राब स्थिति में कुछ टाली ट्रैक्टर वैसे तमाम लोग लेके आते जाते थे कि जैसे कहीं अभी टाली पलट जाए या कुछ पलट जाए तो हमारे बच्चे की कहीं दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ तक कि आपके बाउंड्री वाल को भी एक बार गिरा भी दिया गया था। और फिर से दोबारा वो बाउंड्री वाल बनके हमारा बाउंड्री वाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद विद्यालय, उसी विद्यालय में इंटरलॉकिंग होके सारी जितना रास्ता था, सारी रास्ते इंटरलॉकिंग होके हमारे यहाँ विद्यालय जी। तो आपका पंचायत भवन भी बन चुका? मेरा पंचायत भवन बन चुका, थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया है जी। और मेरा जो मद था वो हमारे यहाँ मनरेगा के माध्यम से, पहले मनरेगा के माध्यम से, तो मनरेगा के माध्यम से DPR सीरीज कर दिया गया है, उसमें फीड नहीं हो पाया, इसलिए हमारे फर्स्ट खाते से ही जो मनरेगा माध्यम हो रहा काम उसी से हो रहा है, उसी से हो रहा है। तो जो भी पैसा आ रहा है उसी से हम काम करवा के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बाजार है, बड़ी लंबी बाजार है, लगभग 500 दुकानें यहाँ पर हैं। तो इनके पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? पानी पीने के मतलब यह सप्लाई, पानी टंकी की सप्लाई चल रही है गांव-गांव, घर घर सप्लाई, जो योजना है नमामि गंगे योजना के तहत में जी। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं, पानी सप्लाई की जो प्रक्रिया है वो अपना कर रहे हैं जी, दे रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं। पाइपलाइन डालने के बाद हमारी पानी टंकी की बोर अभी चालू करने वाले हैं, जमीन उमीन दे दिया गया है जी। हाँ, तो जल्द ही चिलमा बाजार के लोगों को शुद्ध पानी का जल मिल सकेगा, टोटी से सप्लाई हो सकेगी, यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। प्रधान जी का दावा है कि पानी के पाइप की खुदाई का काम चल रहा है और बोरिंग होने का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो प्रधान जी, आपके गांव में कुल कितनी आबादी है? हमारे यहाँ की लगभग 2000 से 2500 के लगभग बीच में आबादी है पूरे ग्राम पंचायत की जी। तो कितने राशन कार्ड आपके पास हैं? हमारे यहाँ 284 राशन कार्ड इस मौके पे उपलब्ध हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलती है? लगभग 80 लोग हैं, 80 लोग के लगभग में है जो उनको पेंशन मिलती है। अच्छा, आपका अभी कार्यकाल लगभग 1.5 साल हुए हैं, तो आपकी इतने जो विकास कार्य आपने बताया इतने हो चुके हैं, आगे की क्या योजना आपकी है? आगे की योजना है कि सबको स्वच्छ जल जी की व्यवस्था
हो ही रही है जी, सड़क जी, मकान, राशन कार्ड पे, और हमारे यहाँ सबसे अहम चीज ये है कि हमारे यहाँ विद्यालय चिलवा प्रसन्न में नहीं है, विद्यालय नहीं है जी, और इसलिए मांग हम कई बार बीएससी को भी पत्र दे दिया हूँ कि, और सांसद को भी दे दिया हूँ कि हमारे यहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या इंग्लिश मीडियम विद्यालय दिया जाए, जो बाजार में काफ़ी प्राइवेट लोग विद्यालय, तो देखिए ये बाजार है, यहाँ पर प्राइवेट विद्यालय हैं लेकिन सरकारी विद्यालय बाजार में नहीं है, जो भी विद्यालय है वो दूर है, वहाँ पर बूथ बनाए जाते हैं। इनका प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो वो लोग वोट डालने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे में इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि चिन्ना बाजार में एक विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल सके। तो प्रधान जी, बारात घर आपके 400-500 दुकानदार हैं और 3-4 गांव हैं, इसके लिए बारात घर कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा आपका? ये पंचायत भवन के बगल में हमारी ज़मीन, थोड़ा सा जो पहले हमारे कपड़े ही मार्केट के नाम से जाना जाता था जी, अब ये हमारा जर्जर हो चुका है जी। अब इस प्रांगण को खाली करवा के जी, और इसमें एक हाल देने का प्रयास किया जा रहा है जी, और इस पर हम लगे हुए हैं कि हमारे मद में थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाए, हम काम इसको चालू करें, धीरे धीरे काम चालू करके जो भी मद हमारी होगी वो उससे काम करवा के पूरा किया जा सके जी। तो प्रधान जी, ये बाजार है, इसमें कोई सामुदायिक शौचालय नहीं है जहां लोग आ जा सकें? नहीं, सामुदायिक शौचालय हमारे यहां सामुदायिक शौचालय बाजार में नहीं बना हुआ, एक सांसद के द्वारा बना हुआ कि जो भी अभी आधा अपूर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है, ना वहाँ मोटर है ना टंकी है, तमाम चीज़ जो ऐसे हैं कि नहीं है, अब उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको चालू करवा दिया जाए कि बाजार में लोग परेशान तो हो रहे हैं जी, और काफ़ी दिनों से जैसे यहाँ 27 साल से लगभग लोग को इतना दिक्कत हुआ है, हाँ, कि जब से आए हैं लग के एक एक काम कर रहे हैं निपटा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे ग्राम का भविष्य उज्जवल हो, और जो आज नगर पंचायत की सुविधा देखी जा रही है वो हमारी सपना है कि नगर पंचायत की सुविधा हम अपने ग्राम पंचायत को दें। तो देखिए, प्रधान जी ने बड़ी बड़ी बात कही है, दावा इन्होंने किया है कि इनका दावा है कि जो नगर पंचायत में सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं ये चिन्ना बाजार के वासियों को देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये 5 सालों में काफ़ी विकास कर सकेंगे। तो चिन्ना बाजार के लोगों के लिए जो सामुदायिक शौचालय है वो थोड़ा अपूर्ण है, इसको ठीक कराने के लिए प्रधान जी का प्रयास जारी है, ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो प्रयास पूरा हो जाएगा जिससे लोगों को सामुदायिक शौचालय की सुविधा भी मिल सकेगी। तो ये हमारे साथ आज मौजूद थे बातचीत के लिए, विजय सोनी जी हैं, चिलमा बाजार के रहने वाले हैं और पहली बार चिलमा बाजार के ये प्रधान निर्वाचित हुए हैं। तो इनका जो विकास का कार्य है लगातार चल रहा है और ये लगातार विकास कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको प्रधान जी, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप 5 साल में इसको इतना विकास कर दीजिए कि वास्तव में चिलमा एक आदर्श के रूप में जाना जाए, पूरे ब्लॉक में जाना जाए, तो इसके लिए आपका प्रयास होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो नमस्कार, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।